आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व महिला दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा। कहा, सभी मंडलों पर भव्य रूप से मनाया जाए महिला दिवस, उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को किया जाए सम्मानित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को की कोरोना वैक्सीनेशन की समीक्षा। कहा, प्रत्येक व्यक्ति करा ले वैक्सीनेशन, वैक्सीन की नहीं है कोई कमी। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला योजना समिति की बैठक। वर्ष 2021-22 हेतु प्रस्तावित परिव्यय बजट 64,876 लाख रुपए को किया गया अनुमोदित। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई नवीन एकीकृत मंडलीय कार्यालय मुक्ताकाशी मंच निर्माणाधीन प्रेक्षागृह एवं वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा बैठक। मार्च के अंत तक सभी योजनाओं को पूरा करने के दिए निर्देश। जागरूक गोरखपुर जागो फाउंडेशन के तत्वाधान में चौरी चौरा शहीदों की याद में डीएम कार्यालय से चौरी चौरा शहीद स्मारक स्थल तक 53 कलाकारों के द्वारा निकाली गई 27 किलोमीटर तक पैदल नृत्य यात्रा। एडीएम फाइनेंस ने झंडी दिखाकर पैदल नृत्य यात्रा को किया रवाना, खुद भी पैदल पहुंचे चौरी चौरा, शहीदों को किया नमन। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए एसएसपी ने किया नौकायन का निरीक्षण। नौकायन पेडलेगंज चंपा देवी पार्क पर ड्यूटी लगाकर वाहन चेकिंग के दिए निर्देश। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में 30 बेड के निशुल्क नशा मुक्ति केंद्र का जिले के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कहा, नशे के लत से तंग आ चुके लोगों को नशा से कराया जाएगा मुक्त। नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह बने मंडी परिषद के निदेशक। गोरखपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण में 227वें रैंक से 82वां तक पहुँचाने में निभाई महती भूमिका। जताया गोरखपुर महानगर वासियों से मिले प्यार के प्रति आभार। शनिवार को 789 लोगों को लगाया गया कोरोना का वैक्सीन। सरकारी बूथों और प्राइवेट बूथों पर लगाया गया कोविड का टीका। महापौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई नगर निगम सदन की 17वीं बैठक। नगर निगम के पुनरीक्षित बजट एवं मूल बजट को विचार विमर्श कर दी गई स्वीकृति। जिला प्रोबेशन कार्यालय द्वारा विकास खंड चरगावा में संचालित स्टेप अहेड फाउंडेशन के तत्वाधान में प्रगति रोजगार मेले का किया गया आयोजन। जिलाधिकारी ने पास आउट स्टूडेंट को सर्टिफिकेट और नए छात्रों को किया किट का वितरण। कहा, करें लक्ष्य बनाकर मेहनत, जरूर मिलेगी सफलता। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी ने कहा, नए वोटर बनने के लिए 7 और 13 मार्च को चलेगा विशेष अभियान। पहली बार वोटर बनने के लिए बीएलओ से कर सकते हैं संपर्क। गोरखपुर में शनिवार को मिले 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,484। अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 28 रह गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। नगर निगम सुपरवाइजर सफाई श्रमिक संघ का चुनाव हुआ संपन्न। राम प्रकाश सिंह अध्यक्ष और राजेश कुमार चुने गए महामंत्री। और 10 से 14 मार्च तक पूर्वांचल में क्रांति की ज्वाला विषय पर राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ एवं सीआरडीपीजी कॉलेज तथा संस्कार भारती महानगर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होगा चित्रकला कार्यशाला। देश की आजादी पर चित्रकारों को दिया जाएगा चित्रकला का प्रशिक्षण।